तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिलासपुर लोकसभा और कोरबा लोकसभा में भी वोटिंग होनी है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ की दो सीटों में एक सीट कोरबा लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली थी, इसलिए दोनों पार्टियों ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। जहाँ कोरबा में भाजपा की ओर से स्टार प्रचारकों की लगातार सभाएं और रैली हो रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए इस सीट को जीतने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। इसी क्रम में पेंड्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने कोरबा और बिलासपुर दोनों ही लोकसभा में कांग्रेस को वोट देने के लिए जनता से अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा की सरकार को जुमलेबाजी की सरकार कहते हुए 400 पार के नारे पर आपत्ति दर्ज की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास के प्रधानमंत्री पर बिगड़े बोल सुनने को मिले। आशीर्वाद से मुझे बहुत युवा अवस्था में बहुत सारे काम करने। 10वीं पास आदमी संविधान क्या सिखाएगा, खुद नहीं समझता जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। और चट्टे बट्टे जो हम लोगों को उसने संबोधित किया, तो क्या वो अंधभक्त उनको स्वीकार कर लिया है क्या? जो उनकी अंधभक्त हैं, ये शब्द हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, आम जनता ने दिया है, तो क्या उसके अंधभक्त के शब्दों को उसने स्वीकार कर लिया है? और चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को बनी रहता, ये सड़क छाप आदमी की बात है, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। मतदान हुए हैं उसको देख के जिस ढंग से मोदी जी का दिमाग खराब हुआ है, जिस ढंग से उनके गृह मंत्री अब वो अनशन बोल रहे हैं, बात कोरबा की कर रहे हैं, भाषण कटघोरा में दे रहे हैं, एक पैसे की महंगाई की बात नहीं हो रही है, नौजवानों की बात नहीं हो रही, सब अनशन बात हो रही है, तो बौरा गए हैं, उनका दिमाग खराब हो गया है, ये मैं मानता हूँ। उनको 400 पार क्या, अब तो 200 पार भी होना मुश्किल है। राधिका खेड़ा कह रहे एपिसोड से कांग्रेस प्रत्याशियों को कितना नफा नुकसान होगा, या उसको पदाक्षेप करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? राधिका खेड़ा का जो छपा है वो सिर्फ छपा है भैया, कुछ नहीं हुआ है उसको। पीसीसी में जो हमारे प्रचार प्रमुख हैं शुक्ला जी और राधिका खेड़ा के बीच में कोई हाथापाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, बातों बातों में थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई, उसमें हो गई, इसमें कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा इसलिए कर रही है कि संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जल जंगल जमीन में जो आदिवासियों का अधिकार है वो समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनको 400 पार चाहिए जो संविधान में बदलना। जनता बिल्कुल इस संविधान को बदलना नहीं चाहती और इस